नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सतना मध्य प्रदेश से आरबी न्यूज लाइव ब्यूरो न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और देखिए पूरा रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव SSD देहाती खबर। आइए हम आपको ले चलते हैं अवैध कारोबारियों के कारनामों के पास। मैहर सतना रोड पर चल रहा है अवैध खाद्य तेल का प्लांट और मैहर में ही पैक हो रहा है यह कच्चा तेल जो मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। बाजार में इन दिनों खाने के तेल के नाम में नकली तेल बिक रहा है और भारी मात्रा में ने इसका स्टॉक जीतनगर के पास बनाया गया है, जहां बिना किसी जांच मापदंड के पैकिंग कर बड़ी आसानी से बाजार में बेचा जा रहा है। मैहर में संचालित जगमड़ी बार जगमड़ी होटल के संचालक दीपक अग्रवाल का है ये जगमड़ी आयल भंडार, जहां आज तक फूड विभाग की नज़र तक नहीं पड़ी या जान के अनजान बने हैं। यह जांच अधिकारी उसी रास्ते से कई अधिकारियों का आवागमन है, हर अधीनस्थ लोगों का आवागमन है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सबके नाक के नीचे यह गलत और अवैध कार्य हो रहा है जो अभी तक लोगों के निगाहों में नहीं आया था। लेकिन तेल की खेल पर मैहर SDM धर्मेंद्र मिश्रा एवं खाद्यान्न विभाग शीतल सिंह ने मारा है छापा। छापा मारने के बाद पता चला है कि यहाँ पर नकली तेल का भंडारण है और यह अवैध तरीके से प्लांट करके इसे पैक करके मार्केट में उतारा जा रहा है। लोग पैसा कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि पैसा किसी भी तरीके से आए, चाहे फिर इंसान का मृत्यु ही क्यों न हो जाए। लोगों को समझना चाहिए कि जो तेल वह पैकिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं उससे लोगों के शरीर पर कितना हानि पहुंचा सकता है और उसकी जीवन लीला कब तक चल सकता है, यह बहुत ही सोचने वाली बात है। इंसान को इंसानियत रखना चाहिए, सिर्फ पैसे के ही पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि खाद्यान्न बनाने वाले के ऊपर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और बंद डब्बे को खोलकर उसका निवारण करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर भरोसा होता है, तो इस भरोसे को लोग ना तोड़ें। देखिए पूरा रिपोर्ट। जगमड़ी बनाने तो जगमड़ी वो है पहले इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।